यार अब तो जल्दी से जल्दी 2-3 बिजनेस गाइस मेरे को खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि गाइस मेरे पास जितना भी पैसा था ना वो सारा का सारा पैसा गाइस खत्म हो चुका है। और गाइस मेरे को एक काफी मस्त वाली कार भी लेनी है, लेकिन गाइस लूं कहां से भाई, सारा पैसा तो खत्म ही हो चुका है। और गाइस अभी ये सिंचन का बच्चा स्कूल गया है, आपको पता है गाइस सिंचन स्कूल भाई पैदल जाता है और स्कूल से पैदल ही आता है। मेरे को गाइस काफी बुरा लगता है, क्यों ना गाइस मेरे को एक गाड़ी ले लेनी चाहिए ताकि गाइस सिंचन को स्कूल में गाड़ी से छोड़ के आऊं और साथ ही साथ में गाइस उसे भाई स्कूल से गाड़ी से ही लेके आऊं। और गाइस आप लोग सोच रहे होगे आखिरकार ये इतनी बड़ी वॉल यहाँ पे कहाँ से आ गई। गाइस मैंने सोचा है भाई एक बिजनेस खोलते क्यों ना अपने घर के बाहर, यहाँ पे गाइस मैं लोगों की कारों को साफ करवाऊंगा। गाइस जैसी लोगों की गाड़ी वॉश हुई करेगी ना तो तुरंत ही गाइस लोग मेरे को काफी सारे पैसे देंगे। मैंने एक बंदे को गाइस बुलाया तो है जो कि गाइस लोगों की गाड़ियों को साफ करेगा, और गाइस मैं उस बंदे को पैसे मतलब उसको सैलरी दे करूंगा और भाई कस्टमर मेरे को पैसे दे के जाएंगे। बस यार फटाफट से वो बंदा आ जाना, एक बिजनेस तो गाइस घर के बाहर स्टार्ट हो जाएगा। अब बात सब खुले, मैं कह रहा हूँ सिंचन का है, अब सिंचन गया हुआ है स्कूल, अब बात सब उसको लेके आ जाओ, उसकी छुट्टी होने वाली होगी। जॉब के बच्चे लेके तो आ जाऊं, लेकिन मेरे पास गाड़ी भी तो नहीं है, गाड़ी होती तो भाई मस्त करके जाता और लेके आ जाता। अरे कौन सा घर था वो फ्रैंकलिन का, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। फ्रैंकलिन ने बोलता उसके घर के आगे काफी बड़ी वॉल बनवाई है उसने, पता नहीं कौन सा घर है। साइकिल चलाते चलाते मैं बोर हो गया, अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हो चुका हूँ लेकिन आज तक मैं कोई बाइक नहीं खरीद पाया। साइकिल से ही जहाँ जाना होता है साइकिल से ही जाता हूँ, क्यों ना मैंने सोचा कि एक जॉब कर ली जाए ताकि मेरे पास भी बाइक और गाड़ी आ जाए। अरे ये तो नहीं वो बड़ी वॉल, मतलब यही वो फ्रैंकलिन का घर है। उसने बोला था कि मुझे गाड़ियों को साफ करना होगा, उसके बाद वो मुझे हर महीने 10-15 हज़ार रुपए देगा। 10-15 हज़ार रुपए मिल गए तो खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया खाना खाई करूंगा और धीरे धीरे पैसे जमा करके बढ़िया सी एक कार लूंगा। बहुत दिन हो गए इस गली में मैं आया नहीं था, फाइनली आज इस गली में आने का मौका भी मिल गया और मैंने सुना है किसी ने ट्रेन खरीदी है गली में। बताओ कैसा जमाना आ गया, लोग गली के अंदर ट्रेन लेके आ गए, लेकिन ये चलती कैसे होगी मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ दो लोग खड़े तो है, इनसे पूछता हूँ, अरे भाई ये ट्रेन कौन लेके आया? अरे भैया ट्रेन तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पे एक बंदर रहता है उल्टी खोपड़ी का, उसने ट्रेन खरीद ली। तुम्हें पता है ये ट्रेन कितने की? पूरे 25 लाख की खरीदी है। अगर हमारे पास 25 लाख होते ना हम तो ना एकदम अच्छी जगह इन्वेस्ट करते, समझ रहे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं उनको। अब तू कहीं भी कर अपने पैसे इन्वेस्ट, मुझे बस तू ये बता दे आखिरकार उस बंदे ने ट्रेन खरीदी पर वो ट्रेन चलाता कैसे होगा? अरे हमें नहीं पता, बस ये ट्रेन उसने खरीद के गली में खड़ी कर दिया। ट्रेन तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्यों ना एक बार इसके अंदर चल के देख लिया जाए? अरे मत जा भैया अंदर मत जा, तेरी खोपड़ी उड़ा देगा, बहुत खतरनाक बंदा है। चलो छोड़ो फिर, ट्रेन कहीं भाड़ में, वैसे भी यहाँ जाम लग चुका है। मैं तो फ्रैंकलिन के घर जा रहा था क्योंकि मैंने सुना है उसने एक नई दुकान खोली है घर के बाहर, और उस दुकान पे वो लोगों की गाड़ियों को साफ करवाता है, गाड़ियों को वॉशिंग करवा देता है वो। मेरी गाड़ी भी बहुत गंदी होगी, चलो चल के अपनी गाड़ी को साफ करवा देते है। आई थिंक यही था फ्रैंकलिन का घर, बड़े दिन हो गए आया न्यूनेस की गली में, ये लोग पहुंच गया। चलो गाइस पानी का भी इंतजाम हो गया, यहाँ से गाइस मैं पाइप डालूंगा, उसके बाद गाइस यहाँ पे जितना भी पानी है ना वो सारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और गाइस जो बंदा आया ना अभी अभी वो गाइस इस पानी से भाई सारी की सारी गाड़ियों को साफ करेगा। गाइस अभी वो ऊपर आया तो है, चलो उससे बातें कर लेते हैं सैलरी की। एक सेकंड, अबे चौनू भाई तू कब आया? अरे फ्रैंकलिन तेरा चेला कितना बेकार है यार, गाड़ी साफ करने को मना कर रहा है, कह रहा है पहले पेमेंट चाहिए उसके बाद ही गाड़ी साफ करूंगा। भाई मैंने सोचा क्यों ना खुद ही गाड़ी साफ कर लूं। अबे तो भाई तू अपनी गाड़ी खुद अपने घर भी तो साफ कर सकता है, मेरे घर के आगे क्यों कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन मेरी थोड़ी सटक गई है। हाँ तो भाई ये बता तू गाड़ी क्यों नहीं साफ कर रहा? अरे फ्रैंकलिन देखो जी बात हुई है 15,000 रुपए की, पहले 15,000 रुपए दो उसके बाद ही गाड़ियों को साफ करूंगा। 15,000 तो भाई मैं तेरे को इस महीने के एंड में दूंगा, अभी तो भाई मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं भाई दूध लेने भी नहीं जा सकता, इतने भी पैसे नहीं है। चलो ठीक है फिर हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं, अगले महीने समझ रहे हो मुझे पैसे चाहिए तुमसे। हाँ पैसे मैं दे दूंगा, तू गाड़ियों को तो साफ कर, ठीक है पानी वानी का इंतजाम कर दो और कपड़ा वपड़ा ला दो, लेकिन कस्टमर तो दिखाई नहीं दे रहे। एक कस्टमर तो मेरा दोस्त आ गया, और भी गाइस मेरे को यहाँ से जो भी आसपास गाड़ियां जाएंगी ना उनको रोकना होगा और उनको बोलना होगा कि भाई आपकी गाड़ियों को मैं वॉश कराऊंगा, ताकि गाइस वो मेरे को काफी अच्छे खासे पैसे दें। और गाइस मैं एक गाड़ी को साफ करवाने के लेने वाला हूँ करीबन 500 रुपए। हाँ गाइस ये ठीक रहेगा। रुको भाई रुको, गाड़ी वॉश करवानी है तुमको? गाड़ी काहे को वॉश करवाए, चमक रही है हमारी गाड़ी, धुलनिया है धुलनिया। अबे क्या कह रहा है तू, अबे गिरा के उड़ जा रहा है। अरे भैया हट जाओ साइड में से, रुक तेरे को मैं अभी साइड हटाता हूँ, क्या बोल रहा है तू? अरे हमने गिरा दिया भैया, देखो गाड़ी में मत बैठो, बड़ी महंगी खरीदी है। अबे ये बता तू ये क्या हुआ गाइस, ये तो भाग गया, अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया, क्यों ना गाइस आज इसकी गाड़ी से चला जाए भाई, वो तो भाग गया भाई, इसकी गाड़ी से निकलते हैं, सिंचन को स्कूल से लेके आता हूँ ताकि सिंचन का बच्चा भी खुश हो जाए। ओए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जो भी गाड़ी आई ना तू उसको वॉश कर दियो। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया तुम टेंशन ना लो, सारी गाड़ियों का हम वॉश करेंगे। चल भाई हट सामने से, अब मैं तेरी गाड़ी को साफ करता हूँ, क्योंकि अगले महीने मेरे को 25,000 रुपए देगा ये। लगता है गाइस इसको ना सपने आ रहे हैं, मैंने गाइस इसको कॉल पे भी बताया था और अभी भी मैंने इसे बताया कि भाई मैं तुझे 10-15 हज़ार दूंगा, लेकिन हर बार ये कह रहा है भाई 25,000 थोड़ा दूंगा। अब गाइस मेरे को लग रहा है ये बिजनेस मैंने खोल तो
लिया, पता नहीं भाई चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा। मेरे को गाइज भाई अपने सारे दोस्तों को बताना होगा जिनके पास भी गाड़ी है कि भाई अपनी गाड़ियों को मेरे दुकान पे लाओ और साफ करवाओ। अगर गाइज एक बार ये बिजनेस चल गया ना तो काफी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। सोचो गाइज अगर एक दिन के अंदर भाई मेरी दुकान पे 100 गाड़ी आई और एक गाड़ी वाला बंदा मेरे को 500 रुपए दे गया तो भाई काफी सारे पैसे हो जाएंगे। लेट्स गो गाइज। मैं सिंचन के स्कूल पे तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन सिंचन के स्कूल की छुट्टी नहीं हुई क्या भाई अभी तक? टाइम तो हो चुका है गाइज, यहाँ पे काफी सारे बंदे भी बैठे हुए हैं। ये चेक करो गाइज, सिंचन और लिटिल सिंघम भी बैठे हैं भाई, मस्त करके धूप में बैठे हुए हैं। सिंचन के बच्चे घर नहीं आना क्या? अरे क्या फ्रैंकल भैया तुम? अरे लिटिल सिंघम देख फ्रैंकल भी आ गए। फ्रैंकल भैया गाड़ी, ये गाड़ी किसके लिए है? ये समझ ले ये गाड़ी मेरी नई गाड़ी है। वैसे तू डस्टबिन के बगल में क्यों बैठा है? अरे फ्रैंकल भैया इसकी ना आदत है, इसको ना यार कूड़े कचड़े की महक सूंघनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये ना हमेशा मस्त डस्टबिन के बगल में बैठता है। फ्रैंकल भैया तुम्हें पता है मैं बर्गर तो खा नहीं सकता, तो फ्रैंकल भैया जो लोग बर्गर खाकर डस्टबिन में फेंक देते ना उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अबे यार कैसी कैसी बातें कर रहा है, चल सिंचन घर चल फटाफट से। अरे आ जाएगा ना मजा गाइस, आज तो मस्त करके गाड़ी में बैठ के जाएंगे। आ जाए सिंचन, फटाफट से बैठ गाड़ी में, निकलता है गाइस घर की तरफ। अरे एक सेकंड, ये तो मुझे सिंचन का भाई जैसा लग रहा है, क्यों ना इससे हेल्प मांग ली जाए। हाँ ये शायद मेरी हेल्प कर सकता है, जल्दी जाना होगा कहीं ये चले ना जाए। ये पक्का सिंचन को लेने आया, सिंचन से कंफर्म करूं क्या? अरे अंकल जी क्या हो गया? अंकल बच्चे सर बोलना भूल गए मुझे। अरे प्रिंसिपल सर यार, आपको जब भी बोलूंगा मैं प्रिंसिपल, जब आप यार हमारे स्कूल टाइम पे हमसे बात करोगे। अभी ना हमारा स्कूल टाइम खत्म हो चुका है, हम तो पार्क में बैठे। अरे सिंचन तू पार्क में नहीं बैठा, तू ग्राउंड में बैठा है स्कूल के, मुझे टीचर बोल। अरे ठीक है टीचर, यार टीचर बोल दिया, बताओ क्या काम है? बच्चे तू तो ज्यादा ही नटखट है। अरे एक बार सर बाहर निकलिएगा, आपसे मुझे कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी है। आई थिंक ये भाई सिंचन की प्रिंसिपल सर है। सर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मुझे पहचानो, मैं प्रिंसिपल सर हूँ इस स्कूल का। अच्छा प्रिंसिपल सर नमस्ते। अरे नमस्ते ठीक है, मुझे तुमसे छोटा सा काम है, मैं तुम्हें आज तक भूला नहीं लेकिन तुम मुझे भूल गए। अरे सर मैं भूल गया थोड़ा सा, वो क्या है ना अभी काफी ज्यादा टेंशन है। अरे फ्रैंकल इतनी टेंशन मत ले बेटा, जब तू सिंचन का एडमिशन कराने आया था ना इस स्कूल में, जब से मैं तुझे जानता हूँ बेटा मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दे, क्यों ना तू मेरी गाड़ी लेके मेरे घर जा और मेरे बेटे को गाड़ी दे के आ जा। क्या गाड़ी दे के आ जा? हाँ जी, मेरे को बेटा स्कूल में काफी काम है, मैं अपने घर तो जा नहीं सकता लेकिन मेरे बेटे को गाड़ी की बहुत नीड है, इसलिए तू मेरी गाड़ी दिया। अरे फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करो। फ्रैंकल भैया हमारे प्रिंसिपल सर की गाड़ी ना बहुत लग्जरी है। अच्छा तो ठीक है सर मैं आपकी गाड़ी दे के आता हूँ। और मुझे पता है सर आपका घर? हाँ तो सिंचन बेटा ले जा अपने भैया को और गाड़ी दिलवा के आ जा। लगता है गाइस यही वो गाड़ी है सिंचन के टीचर की। सिंचन यही गाड़ी है क्या? अरे हाँ फ्रैंकल भैया यही मेरे सर की गाड़ी है, क्या मस्त लग रही ना? सिंचन भाई मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि भाई अपने प्रिंसिपल की गाड़ी में बैठेंगे। बिठाओ फ्रैंकल भैया, बैठ लिटिल सिंघम वरना तेरे को छोड़ के आ जाऊंगा। और फ्रैंकल भैया तुम्हारी ब्लैक गाड़ी? हाँ सिंचन ये जो गाड़ी है इसको यही छोड़ दे सिंचन, अभी हमको आना है, उसके बाद घर भी तो जाना है। अरे हाँ यार घर तो हमको पैदल पैदल जाना होगा। बे सिंचन जब मैं ब्लैक कलर की कार लेके आऊँ तो सिंचन पैदल क्यों जाएगा? अरे फ्रैंकल भैया पहले तुम मुझको ये बताओ, अभी तुम प्रिंसिपल सर की गाड़ी प्रिंसिपल सर के बेटे को देने जा रहे हो, क्योंकि उनका बेटा यार इस गाड़ी से कहीं जाएगा? हाँ सिंचन ये तो ठीक कर रहा है, लेकिन फ्रैंकल भैया प्रिंसिपल सर के घर से तो हमको आना होगा ना स्कूल तक पैदल पैदल। अरे ले सिंचन ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे सिंचन मुझे बस यहीं तक रास्ता पता है, इसके आगे सिंचन कहाँ जाना है? अरे इसके आगे मैं बताता हूँ ना, बस तुम चलते रहो, तुमको पता है प्रिंसिपल सर का घर काफी लग्जरी है। हाँ सिंचन भाई तेरे प्रिंसिपल सर ना काफी पैसे कमाते हैं, सिंचन इनका घर तो काफी ओपी होगा। और फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तुम भी फ्रैंकल भैया एक बढ़िया सा स्कूल खोल लो, ताकि फ्रैंकल भैया हम भी तुम्हारे स्कूल में पढ़े और साथ के साथ फ्रैंकल भैया काफी अच्छा खासा पैसा कमा लोगे तुम। अरे हाँ फ्रैंकल भैया ये आइडिया काफी मस्त है, वैसे भी तुम्हारे पास एक भी गाड़ी नहीं है। वही तो सिंचन मैं भी सोच ही रहा हूँ, क्यों ना सिंचन हमको कोई बिजनेस खोलना चाहिए, ताकि सिंचन हम भी काफी पैसे कमा सके और हम भी काफी अमीर हो जाए। अरे तो खोलो ना यार खोलो। सिंचन मैं स्कूल खोल तो दूं ना यार, लेकिन सिंचन स्कूल भाई खोलने के लिए काफी बड़ी हमको जगह चाहिए और सिंचन एक काफी बड़ा स्कूल चाहिए और साथ में सिंचन हमको काफी सारे टीचर चाहिए जो कि सिंचन बच्चों को पढ़ा सके। इसमें सिंचन काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे फिर तो ट्यूशन खोल लो, ये आइडिया सिंचन तूने काफी बढ़िया दिया है। सिंचन क्यों ना अपने घर पे भाई मैं एक ट्यूशन खोल लूं, ताकि सिंचन बच्चे उसमें पढ़ने आए और सिंचन भाई मस्त करके वो पैसे देंगे हर महीने। अरे इस घर पीछे रह गया, अब घर पीछे। अबे सिंचन पहले बताता ना। वैसे सिंचन ये गाड़ी काफी मस्त है सिंचन, जितना भी ठोक लो यार इस गाड़ी को, इस पे तो स्क्रैच नहीं आते। रुको रुको गाड़ी रुको, यही घर है क्या? और क्या यार, यही मेरे प्रिंसिपल सर का घर है। बढ़िया सिंचन घर तो काफी मस्त लग रहा है। चला सिंचन फटाफट से अंदर चलते हैं और सिंचन बता के आते हैं कि भाई प्रिंसिपल सर ने हमको भेजा है। हेलो हेलो भाई कोई है क्या? गाइस बेल नहीं लगा रखी भाई, चलो अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से सिंचन पीछे पक्का भाई इनका स्विमिंग पूल होगा, क्योंकि गाइस जो भी ज्यादा बड़े घर होते हैं ना पक्का भाई वो अपने पीछे गाइस काफी खुला एरिया रखते हैं, ताकि गाइस वहां पे यार एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बना सके। और ये चेक करो गाइस मस्त स्विमिंग पूल है। हेलो दादाजी। हेलो बच्चे कौन लोग घर में किससे पूछ के घुसा है? अरे किसी से नहीं सर, आपका जो बेटा है ना प्रिंसिपल सर है जो। अच्छा मेरे बेटे ने भेजा है तुझे, बता क्या काम है? अरे सर अपने पोते को आप बोलो कि हम
गाड़ी लेके आ गए हैं वो जा सके। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम मेरे बेटे की गाड़ी लेके आ गए, क्योंकि मेरा जो पोता है ना वो मेरे बेटे की गाड़ी से जाता है, जहाँ भी जाता है। चलो ठीक है, फिर सिंचन गाड़ी दे दिया, निकलते है। और रुको बच्चो, तुम बाहर जाओगे तो तुमको एक येलो कलर की कार मिलेगी, उससे तुम जाना बच्चो अपने स्कूल, समझ रहे हो, पैदल मत जाना। क्या, सच बताओ? हाँ, वो अनलॉक है, उसे लेके जाओ और स्कूल चले जाना। ठीक है भाई, ये बात तो सिंचन काफी बढ़िया हुई। बाहर कोई गाड़ी खड़ी भी थी क्या? मैंने गाइस कोई बाहर गाड़ी नहीं देखी। अरे खड़ी थी फ्रैंकल भैया, खड़ी थी। लिटिल सिंगम बोलना। अरे सिंचन के बच्चे, तूने बोल तो दिया, मैं क्या बोलूं अब। बढ़िया गाइस, ये खड़ी एक येलो कलर की गाड़ी, लेकिन इतनी भी कुछ खास नहीं है गाइस, नॉर्मल कार है। अबे सिंचन के बच्चे जल्दी आ जा, वरना मैं तेरे को छोड़ के चले जाऊंगा फिर यो ऑटो बुक करके। जब ये किसका कॉल आ गया? ये तो अपने लैस्टर दोस्त का कॉल है। अरे फ्रैंकल बेटी, कहां है तू? अबे लैस्टर घर पे हूं, और कहां होऊंगा। अरे बेटी घर से जल्दी निकल, और बेटी जो मैं तेरे फोन पे अभी लोकेशन भेज रहा हूं वहां पे तू फटाफट से आ जा। अबे क्या हो गया, तेरी बातों में मुझे दर्द दिखाई दे रहा है। अरे प्लीज आ बेटी, जल्दी आ। अबे कॉल भी काट दी। अरे क्या हो गया यार, सिंचन अभी लैस्टर को कॉल था और सिंचन वो बोल रहा है जल्दी आ। अरे पर कहां आ जा, उसने सिंचन एक लोकेशन तो भेजी है। अच्छा वहां पर ये क्या कर रहा है सिंचन, वो तो काफी डेंजर लोकेशन है। अरे बाबरे, कहीं किसी ने लैस्टर भैया को तो पकड़ तो नहीं लिया फ्रैंकल भैया? हाँ सिंचन, लैस्टर की वैसे भी सिंचन टांग खराब है, वो भाग नहीं सकता। सिंचन जल्दी पहुंचना होगा अब तो। सिंचन मेरे को भी डर लग रहा है। अरे दोबारा कॉल मिलाओ दोबारा। हाँ सिंचन ये तो ठीक कह रहा है, लेट्स गो गाइस, कॉल तो मैंने मिला दिया है। उठाओ उठाओ लैस्टर बच्चे। और फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, घर नहीं जाना क्या आज? अबे घर जाएंगे पहले भाई, लैस्टर की लोकेशन पे तो पहुंच जाए। उठा नहीं रहा गाइस ये लैस्टर का बच्चा कॉल। सिंचन जल्दी पहुंचना होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सिंचन। अरे पहले मुझे ये बताओ लैस्टर भैया ने बोला क्या? सिंचन उसने बोला मैं तेरे फोन पे एक लोकेशन भेज रहा हूँ, फटाफट से आ जा। इसका मतलब सिंचन प्रॉब्लम तो है भाई, फटाफट से आ जा का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब ये यार जल्दी से आ जा। वो सब तो ठीक है सिंचन, लेकिन इसका मतलब ये कि भाई वो मुसीबत में, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अरे फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा फ्रैंकल भैया पिज्जा खाने कर रहा है बहुत मन। प्लीज फ्रैंकल भैया, मैंने तुमसे कभी बोला नहीं, आज पिज्जा खिला दो। अरे लगता है फ्रैंकल भैया ये लिटिल सिंघम का बच्चा ना पागल हो गया। अरे लिटिल सिंघम तेरे को चाटे खाने, चाटे तेरी भूख मिटाओ चाटे मार के। अबे सिंचन तू तो हमेशा ऐसी बात करता है। वैसे सिंचन सच बता, आज भाई तू नहा के नहीं आया ना स्कूल? अरे इतनी ठंड में कौन ही नहा रहा है भाई, कोई पागल ही होगा जो नहाएगा। ये बात तो सिंचन भाई तू सही कह रहा है भाई, इतनी ठंड में मुझसे नहाया जाता है? तुझे पता है मेरे को भाई 2 महीने होने वाले हैं भाई, 2 महीने से मैं नहाया नहीं, किसी को बताइए मत। अबे भाई 2 महीने से नहीं नहाया, पता नहीं गाइस ये कैसे रहता है भाई, 2 महीने तक नहाया ही नहीं। एक सेकंड सिंचन, पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी क्या? अरे कौन सी आवाज? मुझे सिंचन ऐसा लगा जैसे पीछे भाई किसी ने फ्रैंकलिन बोला। अरे फ्रैंकल भैया मेरे को भी आवाज आई। जब तेरे को और मेरे को आवाज आई तो पक्का भाई कोई ना कोई तो होगा। अरे पर मुझे आवाज नहीं आई यार। नहीं सिंचन कोई भी नहीं है, यही कहीं से सिंचन आवाज तो आई थी। ओ फ्रैंकल भैया, वो रहा बंदा, वो रहा काहे बंदा? अरे घर के अंदर। अबे घर के अंदर से भाई कोई इतनी तेज आवाज थोड़ी मारेगा जो कि हमारी गाड़ी के अंदर तक आवाज आ जाएगी। लगता है गाइस कोई भी नहीं, अगर होता तो सिंचन हमको दिख जाता, वो इतना फ्रैंकल भैया कोई होता तो दिखता। और वैसे भी यार मेरे को तो आवाज आई नहीं, बस तुमको लिटिल सिंघम को ही आई। गाइस आपको आवाज आई क्या? अगर गाइस आपको भी आवाज आई तो यार फटाफट से कमेंट में यस लिखो, और नहीं आई तो गाइस नो लिखो। अरे हाँ गाइस फटाफट से कमेंट में नो लिख दो यार, क्योंकि यार मेरे को तो कहीं भी आवाज नहीं आई, लिटिल सिंघम और फ्रैंकल भैया को ही आई बस। तो गाइस अभी हम लैस्टर की लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं। सिंचन लैस्टर ने भाई यही लोकेशन सेंड करी थी। अरे बाबरे ये कौन सी सोसाइटी में आ गई फ्रैंकल भैया? अरे फ्रैंकल भैया यहाँ पे तो अभी सही ढंग से घर भी नहीं बने। ओए सिंचन सामने चेक कर, ये तो लैस्टर है, लेकिन लैस्टर को किसने सिंचन पिंजरे में कैद कर दिया? अरे फ्रैंकल भैया यार कौन है ये? अबे सिंचन लैस्टर भाई। अरे फ्रैंकल बेटी निकाल बेटी, मुझे यहाँ फंसा के चले गया वो। अबे लैस्टर के बच्चे तेरे को किसने पिंजरे में बंद कर दिया, एक बार मेरे को उसका नाम बता। अरे फ्रैंकल बेटी उसका नाम नहीं पता, ना ये पता कि आखिरकार बेटी वो कहाँ से आया अपने लॉस सैंटोस में। अच्छी बात तो ये है गाइस उसने लैस्टर को मारा नहीं भाई, मस्त पिंजरे में कैद कर दिया। तेरी गलती क्या थी? अरे कुछ गलती नहीं बेटी, मैं तो यहाँ पे आया था मस्त प्रॉपर्टी देखने के लिए, ताकि एक मस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकूं। मैंने बेटी बहुत भयानक चीज देखी। अरे लैस्टर भैया को पहले इस पिंजरे में से बाहर निकालो। हाँ सिंचन पहले पिंजरे में से बाहर निकलते हैं, उसके बाद लैस्टर बात करते हैं आखिरकार उसे भाई डाला क्यों। अरे फ्रैंकल बेटी तू पिंजरे पे चढ़ के अंदर आ सकता है क्या? लैस्टर के बच्चे मैं तो आ सकता हूँ लेकिन तू बाहर नहीं जा सकता क्या? अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी टांग में हो रहा है दर्द। अरे यार अब गाइस मेरे को ये पिंजरा हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये लैस्टर बाहर आएगा, क्योंकि गाइस इसकी एक टांग भाई प्रॉपर भाई खराब हो रखी है। फाइनली गाइस अभी इस लैस्टर के बच्चे को गाइस मैंने पिंजरे के अंदर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन गाइस अभी लैस्टर ने मेरे को एक काफी खतरनाक चीज बताई है। फ्रैंकल बेटी जो मैंने बताया वो एकदम रियल है। गाइस लैस्टर ने बताया इसको गाइस एक बंदे ने पिंजरे के अंदर कैद करा, और वो भी एक सेकंड के अंदर। मतलब गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लैस्टर का कहना यह है गाइस ये खाली जगह थी, और लैस्टर जैसे यहाँ पे आके खड़ा हुआ तुरंत गाइस इसके आसपास ये पिंजरा ऑटोमेटिक आ गया। मतलब गाइस किसी ने भाई इसको बंद नहीं करा, ऑटोमेटिक ये पिंजरे में बंद हो गया। और बेटी ये पिंजरा था भी नहीं, अचानक से ये पिंजरा मेरे सामने आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? और बेटी सबसे मेन चीज तो मैं तुझे बतानी भूल गया बेटी, वो बंदा अचानक से गायब हो गया था, और अचानक से ही गुफा में से बाहर निकला। गुफा में से कौन सी गुफा भाई, यहाँ तो मेरे को कोई गुफा नजर नहीं आ रही। अरे फ्रैंकल भैया क्या पता यार, ऊपर कोई पहाड़ी पे गुफा? पहाड़ी पे नहीं बेटा, पीछे ही गुफा,
है, ये जो तू चादर देख रहा है मस्त ब्लू कलर की, इसके पीछे कोई गुफा है लेस्टर। और क्या बेटी, वो उसमें से निकला, मैंने उसे देखा निकलते हुए, फिर बेटी उसने मेरे को तुरंत पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। लगता है गाइस लेस्टर ना पागल हो गया, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। ना तो गाइस यहाँ पे कोई गुफा है और मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ पे कोई गुफा होगी। और ये बता रहा है भाई अचानक से वो बंदा गायब हो गया इसे पिंजरे में कैद करके। एक सेकेंड, ये क्या है, ये गुफा है? नहीं गाइस ऐसा नहीं हो सकता भाई, चढ़ के देखते हैं एक बार पत्थर पे। अरे हाँ भाई, ये तो गाइस एक खतरनाक टनल लग रही है मेरे को। अरे क्या मिला फ्रैंकल भैया? सिंचेन, इसके ऊपर चढ़ भाई फटाफट से, नीचे तो सिंचेन काफी गहरा है और सिंचेन भाई अंदर काफी अंधेरा भी है सिंचेन। अरे सच बताओ ये क्यों है कि कोई? अरे बेटी वो इसमें से बाहर निकला और मेरे को पिंजरे में से कैद करके गायब हो गया बेटी, क्योंकि मैंने उसे देख लिया ना, इसलिए उसने मुझे गायब कर दिया। अरे मतलब बेटी उसने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया, क्यों ना सिंचेन अंदर चल के देखा जाए? ना ना भैया मत जाओ, मरोगे भैया अंदर जाओगे तो। अरे लास्ट भैया ज्यादा मत बोलो, हम अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर भी आएंगे, तुम्हें पता है बेटी वो अंदर से बहुत सारा डायमंड लेके आया था बाहर। क्या डायमंड लेके आया था? हाँ बेटी। लेस्टर के बच्चे आज तू मेरे को कैसी कैसी बातें बता रहा है, मेरे को गाइस इसकी बातों पे विश्वास हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, लेस्टर भैया तो डरपोक, क्यों ना फ्रैंकल भैया हम तीनों भी अंदर चले। हाँ भाई अंदर तो मेरे को जाना है गाइस, क्या पता सिंचन ऐसा हो हम अंदर जाए और उसके बाद सिंचन अंदर काफी बड़ी मस्त टनल हो और सिंचन अंदर काफी डायमंड मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, फिर तो यार बहुत अमीर हो जाएंगे। बढ़िया सिंचन, बढ़िया। लेस्टर एक काम कर, तू यहीं पे हमारा वेट कर, मैं सिंचन और लिटिल सिगम चलते हैं अंदर। चल सिंचन, सबसे पहले लिटिल सिगम को अंदर भेजते हैं। ओ फ्रैंकल भैया मैं नहीं जाने का भाई, सबसे पहले तुम जाओ। अरे हाँ फ्रैंकल भैया तुम बड़े हो यार, तुम जाओ। फिर तो सिंचन लिस्को जाना चाहिए भाई लेस्टर को अंदर, क्योंकि सिंचन सबसे बड़ा तो ये है। ना बेटी ना, मैं नहीं जाऊंगा कभी, मुझे ही जाना होगा। लेट्स गो गाइस। एक सेकंड। अरे बाप रे, ये कहां गया सिंचन? गिर और गया। अरे फ्रैंकल भैया हम भी आ गए। ओ फ्रैंकल भैया मैं भी ऊपर से कूद के आ गया। अबे ये कहां है सिंचन? अरे फ्रैंकल भैया ये कौन सी लोकेशन पे आ गई यार, उस गुफा के अंदर जैसे फ्रैंकल भैया हम कूदे यार, ये कहां गई? सिंचन मुझे नहीं लग रहा था भाई अगर उस गुफा के अंदर हम कूदेंगे तो हम कुछ ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे। सिंचन ये तो फुल टू फुल भाई मस्त अपने लॉस सेंटोस जैसा एरिया बना रखा है। अरे यार फ्रैंकल भैया अब तो मुझे डर लग रहा है, जाएंगे कैसे? मुझे क्या पता सिंचन अब जाएं कैसे, जाने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा और लग रहा है गाइस मुझे अब काफी ज्यादा डर। सिंचन आ कहां गए और यहां पर तो कोई दिख भी नहीं रहा। सिंचन मेरे को ये अपना लॉस सेंटोस लग रहा है पता नहीं क्यों। एक सेकंड भाई, यहां पे सब कुछ है सिंचन, ये चक्कर भाई कचरा देख। अरे हाँ ये तो कचरा है यार। गाइस यहाँ पे कोई रहता है नहीं रहता? मुझे तो पता ही था जरूर कोई ना कोई तो हरकत करेगा और मेरी टनल के अंदर घुसेगा और मेरे एरिया में आ जाएगा। ये सीक्रेट एरिया मैंने बहुत मेहनत करके बनाया और यहाँ पे कुछ लोग आ गए। अभी मैंने उसकी बहुत बड़ी मूर्ति तो अपने सामने बनाई है, ये रहा तो वो बंदा, ये आया तो घुस के। अभी बता तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ आने की, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा एरिया, यहाँ पे मेरी चलती है। ये लो कहाँ गया ये? मिल गए। ओए सिंचन पीछे देख। अरे ये कौन है जोड़ते हुआ आ रहा है हमारी तरफ? अबे बाप रे ये कौन है? एक सेकंड सिंचन, ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है। अरे पर तुम कर क्या रहे हो? अरे फ्रैंकल भैया अभी इसने मुझे पागल बोला पागल। अबे तुम्हें ये लड़ने की जगह दिख रही है? फ्रैंकल भैया पागल मैंने इसलिए बोला क्योंकि फ्रैंकल भैया ये ना मेरे जूते पे चढ़ गया। अभी तेरे को बताता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे पागल कैसे बोला? अरे इधर भी देख लो, ये उधर ही लड़ते रहोगे। ओए बाप रे ये कौन है जो ऊपर उड़ रहा है? ये तो पांडा टाइप लग रहा है मेरे को। पांडा टाइप सामने तो देख ले एक बार, सामने क्या है सिंचन? अरे ये क्या है फ्रैंकल भैया? ये तो सिंचन मैं हूँ भाई। अरे हाँ गाइस ये तो सच में मैं हूँ और भाई फुल टू फुल मेरा स्टैचू है ये तो। सच में गाइस ऊपर से लेके नीचे तक ये मेरी तरह है। एक बार गाइस क्यों ना आगे जाके देखा जाए? आगे तो जाएगा लेकिन उससे पहले तू मेरी परमिशन लेगा। मजा आ गया, कुछ लोग तो आए कम से कम खेलने के लिए। मैंने अपना अड्डा ऐसा बनाया, फुल डेवलप करा है अपने हिसाब से, मैं हवा में भी चल सकता हूँ। ये रहा उसका स्टैचू, एक सेकंड के अंदर बना के तैयार कर दिया। मेरी परमिशन है, तू देख ले अपने स्टैचू। सिंचन एक बार इस मेरे स्टैचू के भाई पैर चेक कर सिंचन, जितना इसका सूज है उतनी तो सिंचन मेरी हाइट है। अरे फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे फ्रैंकल भैया घर जाना है, प्लीज मुझे घर भेज दो। अरे तुझे घर तो भेजूंगा लेकिन मेरे पास आओ, तुम आए क्यों अंदर ये बताओ? भाई हम अंदर आए क्योंकि भाई उस बंदे ने हमको बताया। अच्छा मुझे पता था उसके कारनामे होंगे, मेरी गुफा के बारे में किसी को भी नहीं पता आज तक। ये पूरी डेवलप मैंने करी है सोसाइटी, समझ रहे हो? यहाँ सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ और यहाँ मेरी चलती है। प्लीज भाई तू ना हमको हमारे घर भेज दे, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे इधर, ये वादा करके तू मेरी गुफा के बारे में किसी को नहीं बताएगा, पक्का प्रॉमिस भाई। सिंचन तू भी कर दे। अरे हाँ भाई टकले अंकल पक्का प्रॉमिस। टकले अंकल ये क्या होता है? अरे टकले अंकल ना बहुत अच्छे होते हैं इसलिए आपको टकले अंकल बोल दिया। वाह मेरी पहली बार किसी ने तारीफ करी, मैं बहुत खुश हुआ। अरे वाह फिर तो फ्रैंकल भी आप भी टकले अंकल बोलो। टकले अंकल? अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे टकले अंकल बोला बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तो भेज रहा हूँ लेकिन याद रखना अगर आज के बाद कभी दोबारा
दोबारा आए इधर या फिर किसी को बताया मेरी गुफा के बारे में तो पक्का मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरे पास बहुत पावर है। अरे 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 सिंचन ये कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबरे गिरा, और ये लो भाई बड़ी तेज लग गई। सिंचन तो ठीक तो है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ फ्रेंगल भाई, लिटिल सिंगम कहाँ है? लिटिल सिंगम कहाँ है? अरे फ्रेंगल भाई वो तो और नीचे गिरा सड़क पे। भले सिंचन हम तो अपने घर पे पहुंच गए, मेरे को तो सिंचन अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। सिंचन पता नहीं भाई अभी हम कहाँ पहुंचे थे, उसके बाद गाइस उस पांडा ने हमको यहाँ तो पहुंचा दिया। वो गाइस टनल काफी यूनिक है भाई, वो टनल मेरे को जिंदगी भर याद रहेगी। और गाइस उस पांडा ने भाई वहाँ पे काफी यूनिक अपनी जगह बना रखी है। अरे फ्रैंकल भैया मैं तो छत पे हूँ, फ्रैंकल भैया जल्दी छत पे आओ, यहाँ पे देखो तुम्हारी छत पे क्या रखा हुआ है। मेरी छत पे क्या रखा है? जल्दी आओ फ्रैंकल भैया, मैं छत पे गिरा था तुम्हारे। गिर गया नीचे, गिर गया। अबे कहाँ है लिटिल सिंगम? ये लिटिल सिंगम ने बोला कि वो छत पे। अरे नीचे गिर गया फ्रैंकल भैया। लेकिन ये बॉक्स मेरी छत पे, ये बॉक्स कहाँ से आ गए भाई? अभी तक तो ये बॉक्स थे नहीं, पता नहीं गाइस कौन ही रख के गया है। अरे फ्रैंकल भैया चलो बॉक्स खोल के देखो क्या है इनमें। हाँ सिंचन बॉक्स तो भाई खोलने पड़ेंगे, चेक करते हैं गाइस क्या है इन बॉक्सों में। कहीं ये गाइस बॉक्स मेरा वो चेला तो लेके नहीं आ गया जिसको गाइस मैंने यार वॉशिंग के लिए बुलाया था, मतलब वो गाड़ियों को साफ कर सके। लेकिन गाइस ये बॉक्स मेरे को काफी अजीब से लग रहा है और काफी डिफरेंट भी लग रहा है, अपने लॉस सैंटोस के अंदर तो ऐसे बॉक्स है नहीं लकड़ी के। लेट्स गो, सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या डायमंड? ऐसा नहीं हो सकता गाइस, अभी तो ये बॉक्स ओपन भी नहीं हुआ। अरे फ्रैंकल भाई डायमंड कैसे निकला? सिंचन बॉक्स पे गई गन चलाई और बॉक्स में से डायमंड निकला। दोबारा करते हैं, एक सेकंड, अब तो सिंचन कुछ नहीं निकल रहा। अरे मुझे लगता है यार ये जो बॉक्स है ना ये पक्का उस पांडा ने हमको गिफ्ट दिए। हाँ सिंचन तो सही कह रहा है भाई, ये बॉक्स गाइस पक्का उसी पांडा ने हमको गिफ्ट दिए। लगता है गाइस इसके अंदर जो था वो ऑटोमेटिक बाहर आ गया है। मस्त सिंचन हमको इतना महंगा डायमंड मिल गया, चलो गाइस इसे खोल के देखते हैं आखिरकार इसमें क्या है। अबे सिंचन ये क्या देख रहा हूँ भाई, ये तो गोल्ड है। अरे पर ये तो यार बॉक्स से भी बड़ा निकल गया। अरे हाँ सिंचन भाई ये इतना सारा गोल्ड, सिंचन मुझे लगता है अपनी ना लाइफ चेंज होने वाली है। अब गाइस मेरे को कोई भी बिजनेस या फिर जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये चेक करो भाई कितना सारा गोल्ड है सिंचन, ये क्रिप्टो के अंदर इतना सारा गोल्ड है। अरे लगता है फ्रैंकल भाई तुमने पहली बार देखा है। सिंचन तो ये बता तूने कितनी बार देख लिया इतना सारा गोल्ड? अरे मैंने भी पहली बार देखा है फ्रैंकल भैया। गाइस अगर इस सारे गोल्ड को मैंने बिक दिया ना लगभग सिंचन 5 से 10 करोड़ तो आराम से मेरे पास आ ही जाएंगे। और ये चेक करो गाइस अभी यहाँ पे कितने बॉक्स बचे हैं, मैं तो सिंचन काफी एक्साइटेड हूँ भाई इनको खोलने के लिए। चल सिंचन बिना किसी देरी के भाई लेट्स गो ओपन करते हैं इस वाले बॉक्स को। क्या सिंचन पांडा, 1 सेकंड ये क्या हो गया? अरे बाबरे ये क्या कर दिया फ्रैंकल भैया? सिंचन ने बॉक्स पे गन चलाई और उसमें से पांडा निकला और बॉक्स भी फट गए। और ये पांडा कहाँ गया? अरे बाबरे कहाँ गया पांडा? अबे ये क्या हो रहा है गाइस, जब मैं पहले बॉक्स को ओपन कर रहा था जब तो वो बॉक्स फटे नहीं, लेकिन ये पांडा निकला और पांडा को ये क्या हो गया? अरे बच्चे डर गया बच्चे, तुझे मैंने डरा दिया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अबे ये क्या था भाई, ये सरप्राइज था क्या? मैं तो सच में डर ही गया, मैं तेरी दुनिया में आ चुका हूँ, तुझे पता है लॉस सैंटोस में हमेशा मेरा आना जाना लगा ही रहता है। तो ये बता कैसा लगा मेरा सरप्राइज तुझे? सरप्राइज कौन सा सरप्राइज? ये जो अभी तू जल गया था वो? अरे ये नहीं, ये तो मैंने तेरे को अपने सरप्राइज दिखाया कि मैं कभी मर नहीं सकता, मैं हमेशा के लिए अमर हो चुका हूँ, कभी नहीं जिंदगी में मर सकता। और पांडा भाई तेरे अंदर तो काफी सारी मैजिक पावर भी एक्टिवेट हो रखी है। हाँ मैजिक पावर एक्टिवेट हो रखी है, अब तू ये बता मेरा दोस्त बनना चाहेगा? क्यों नहीं भाई, जरूर आपका दोस्त बनूंगा। तो बता तुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? अब मैं तेरे को वो देता हूँ। मतलब मैं जो बोलूंगा वो मेरे को दोगे? हाँ बेटा तू मांग ना मुझसे, क्या मांगेगा, लेकिन तुझे मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे और मेरा दोस्त भी बनेगा। हाँ भाई ये तो काफी अच्छी डील है गाइस, मतलब भाई मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ। लेट्स गो पांडा भाई, सबसे पहले मुझे काफी सारा डायमंड चाहिए भाई, और डायमंड की काफी सारी गाड़ी। थम जा डायमंड की गाड़ी देता हूँ। 1 सेकंड गाइस ये चेक करो भाई, ये मेरी पूरी वॉल तो भाई डायमंड से भर गई। कैसा लगा तुझे मेरा सरप्राइज? भाई सरप्राइज तो काफी मस्त है भाई, देख रहे हो गाइस कितना ही सारा डायमंड। भाई साहब अगर ये पांडा मेरा दोस्त बन गया ना तो काफी अच्छी बात है, वैसे भी गाइस दोस्त बन ही चुका है। और बाहर चल के देखे तो गाइस बाहर काफी सारी डायमंड की गाड़ी। कैसी लगी ये गाड़ी तुझे मेरी? बढ़िया भाई बढ़िया, इससे अच्छी और क्या ही बात होगी, मेरे पास इतनी सारी गाड़ी आ गई, वो भी गाइस डायमंड की गाड़ी। आई थिंक गाइस लॉस सैंटोस के अंदर गिने चुने बंदों के पास है डायमंड की गाड़ी, और मेरे पास देखो यार कितनी सारी आ गई। ये पांडा गाइस काफी मस्त है, मतलब भाई इस पांडा से गाइस मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ गाइस, ये मेरे को यार मन चाहे चीज ला के दे सकता है। भाई साहब ऐसा ही तो पांडा चाहिए था मेरे को अपनी लाइफ में। अब गाइस मैं फटाफट से जाता हूँ इस पांडा के पास, और गाइस मेरे को जो कुछ चाहिए ना अपनी लाइफ में फटाफट गाइस वो मांग लेता हूँ यार, मजे याद है। और सिंचन और लिटिल सिंगम को भी बोलता हूँ जाके कि भाई उनको जो चाहिए ना इस पांडा से बोलो, ये पांडा भाई जरूर उनकी भी विश पूरी करेगा। और गाइस अगर आप लोगों को यार इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो फटाफट से गाइस कमेंट करके बता दो, और गाइस फटाफट से यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आज मैं देने वाला हूँ भाई उन लोगों को शाउट आउट जिन्होंने भी गाइस कल वाली वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट करे थे। सबसे पहले गाइस आयान सैमुल, अर्पण शिवा, अनंत मंसूर, तुहीम, यस और रोहन, राम बाबू और उत्कर्ष, जुआद और गाइस मोटो जेनम। तो गाइस इन लोगों ने यार कल की वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट करे थे, तो गाइस आप सभी लोगों को यार बिग शाउट आउट टू यू। और गाइस अगर आप लोगों ने यार अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार फटाफट से वीडियो को
को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे गाइस जब हमारी वीडियो आएगी ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलता है गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब लेगा गाइस प्यारा वाला बाय।